सारी अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें जो हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा यही था कि एक तो अनु मैम आई, इतनी सिंपल, इतनी डाउन टू अर्थ थी, जिससे लगा हमें कि एक, जैसे हमें माना जाता है कि हम सौंदर्य को या रूप को, इस प्रकृति को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने ये दिखाया कि सिंपलसिटी के साथ में एक विमेन कैसे अपने अगर पावर को पहचान ले तो वो क्या क्या कर सकती है, जो अनु मैम ने हमें इंस्पायर किया। और बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिससे कि हमें लगा कि हम भी एक, जब वो लेडी होकर के ये सोच सकती हैं कि वो सिस्टम में आके सिस्टम को चेंज कर सकती हैं, तो हम भी आज ये प्लेज मैं अपनी दिया की जितनी भी बहन है उनके माध्यम से यही लेना चाहूँगी कि हम अपनी जो भागीदारी है उसे बढ़ाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहनों को सिर्फ स्टेज पर या फिर सिर्फ तिलक करने के लिए ना रखा जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी इतने कैलिबर है हमारे अंदर कि हम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितनी भी बहनें हैं मैं उन सबको ही कहना चाहूँगी, मेरे की भाई तो कर रहे हैं, वाई वी हैव ऑलवेज वॉन्ट की सपोर्ट चाहिए हमें भाइयों की। मुझे लगता है जब हम घर संभाल सकते हैं हम सोसाइटी को भी मेनटेन कर सकते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल कर सकते हैं, शायद हम कंप्लीट हैं पहले से ही। एक अपना उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि जब एक कपल के अंदर दो कपल होते, एक मतलब कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसमें जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ में कैसा ट्रीट किया जाता है, और एक जब एक आदमी की, जब एक वाइफ की डेथ हो जाती है तब कैसे ट्रीट किया जाता है, मैं बताती हूँ क्योंकि जो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है मैं उससे ही इसको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि जब एक हस्बैंड की, जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसे एडवाइस की जाती है कि वो सेकंड मैरिज कर ले, वो दोबारा से दुनिया को अपने बसा ले, या उसको ज़रूरत है एक मॉरल सपोर्ट की, घर में घर संभालने वाली एक लेडी की, क्योंकि वो नहीं कर सकता शायद। तो हम कहते हैं कि जो पुरुष प्रधान है वो पूर्ण है, नहीं है, जो सोसाइटी है वो एक तरह से इंडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं है वो कैलिबर उसके अंदर, क्योंकि वो मेंटली वीक है, इमोशनली वीक है, इस वजह से उसे एक सपोर्ट की जरूरत है, घर में एक दोबारा से उसको वाइफ चाहिए। पर एक लेडी के लिए ये कहा जाता है कि बच्चे हैं, शादी हुई है, अच्छा ठीक है, फाइनेंशली ठीक हो, ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर ऑलरेडी कम्प्लीट। तो हमारी सोसाइटी है ये बताती है, कहती है कि नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी सपोर्ट की क्योंकि तुम कंप्लीट हो, तुम घर भी संभाल सकती हो, तुम बच्चे भी संभाल सकती हो, तुम सोसाइटी भी संभाल सकती हो। तो हमारी सोसाइटी ने, मैंने जो ये पॉजिटिविटी इस बात से ही ले ली कि हाँ मैं कंप्लीट हूँ, शायद पहले से ही हमारी हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है, इतनी सारी चीजें हैं कहने के लिए, इतनी सारी औरतें हैं, लेडी हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी नेगेटिविटी, जितना माहौल नेगेटिव होता है हमारे लिए, शायद उतना ही ग्रो करने का मौका होता है। अगर लक्ष्मी बाई पहले से ही वॉरियर जैसी नहीं होती तो शायद वो कभी अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, कभी ऐसे लड़ नहीं पाती। एक माँ थी वो, एक बच्चे के साथ में उनको, उन्होंने टाई थी अपने साथ में और वो लड़ ली, कैसे किया होगा उन्होंने, सोचा है कभी? यानी कि मैं ये कहूँगी कि जितना नेगेटिव माहौल होता है, जितनी परिस्थितियाँ आपकी विषम होती हैं, वो उतना ही ग्रो करने का मौका देती हैं आपको। अगर उनको वो नेगेटिव माहौल नहीं मिला होता तो शायद उनका नाम ऐसे रोशन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोसाइटी कितनी भी आपके लिए नेगेटिव हो, फिर भी वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है, नाम देती है, शोहरत देती है। अगर हम जीजाबाई की बात करें या रानी लक्ष्मीबाई की बात करें या और बहुत सारी विमेंस रही हैं जो हमें ये ग्रो करने का मौका दे रही हैं कि हमने उस समय में, जब इतिहास में मीडिया भी नहीं थी, सोशल भी नहीं थे हम लोग, उस टाइम पे भी इतिहास में उनका नाम रोशन है, स्वर्णिम शब्दों में लिखा गया है। तो आज तो हमारे पास भरमार है इन सब चीज़ों की, हम तो क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं इस वेपन को, क्यों नहीं अपनी ताकत को पहचान रहे हैं। तो मैं दिया भी जितनी भी बहनें हैं मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें अपना पार्ट बढ़ाना है, एक जो हमें भी अगर हम देख रहे हैं विमेंस डे है, यहाँ पे भाई दिख रहे हैं, बहनें बहुत कम दिख रही हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये पार्ट बिल्कुल इक्वल हो जाए। अगर सचमुच में हम समझते हैं कि इक्वालिटी चाहिए तो हम सिर्फ राइट्स के लिए लड़ाई करना ना सीखें बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखें कि हमें कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है। मुझे लगता है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएंगे, मैं एज अ ह्यूमन बींग ना समझ के अपने आप को ये सोचूं कि मैं वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ मैं ज़्यादा पावरफुल कहलाऊंगी। मैं प्राउड करती हूँ इस बात से कि मैं एक विमेन हूँ
और यहाँ पे बोल रही हूँ, आज मैं चाहती थी कि मुझे मौका मिले और बहुत अच्छा दिन मुझे गुरुदेव ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो कि इतनी पावर दी है कि मैं बोल पा रही हूँ, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, अभी भी ये देखिए मेरे हाथ सब कपा रहे हैं। मैंने हिम्मत की है, कोशिश की है कि नहीं मैं इस आवाज को उठाऊंगी। पहली बात तो ये कि मैं चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया कि किस तरह से हम लोग बुक स्टॉल पर भाई लोग जाते हैं, रात के टाइम खड़ा होना कितना अजीब सा होता है माहौल, पर जब मैं गई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि क्राउड जो है बहुत अट्रैक्ट होता है। ठीक है, हम मुझे उसी चीज़ में बहुत अच्छा लगा कि जब क्राउड आ रहा है तो हम चाहे वो किसी भी थिंकिंग से आ रहा हो, मगर जब वो आए तो हमने उसे वो बताया जो उसके लिए ज़रूरी था। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस टाइम पर, मुझे ऐसा लगा कि ये इनिशिएटिव तो मुझे लेना चाहिए। और बहनों से भी कहूँगी कि क्यों ना हम बुक स्टॉल को अपने तरीके से अपने अपने एरियाज में डेवलप करें, और बहनें उसके लिए आगे आएं जिसमें कि बहनें ही हों। भाई चाहिए सपोर्ट के लिए तो हम उठाने के लिए सामान को मंगवा लेंगे एक आधी भाई को, बट विमेंस हों उसमें, औरतें हों, लड़कियाँ हों, अपनी जो भी आपके आस पास में मम्मी हैं या फिर सिस्टर्स हैं बड़ी या छोटी बहनें हैं, सबको हम इंकरेज कर सकते हैं। हम नेगेटिव अगर अपने बारे में खुद सोचेंगे कि वी आर वीक, तो शायद हम वीक हैं। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो कंप्लीट पैकेज हैं परमात्मा का, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना स्ट्रांग हम है ना, शायद कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि एक देखा जाए तो प्रकृति ने हमें सबसे बड़ा जो गुण दिया है वो यही दिया है कि हम जन्नी हैं। हमें मौका दिया जाता है कि हाँ, हम अपने आप को दिखाएं कि नहीं, प्रकृति में एक बहुत बड़ा योगदान हमारा रहा है शुरू से ही। तो मैं यही चाहूंगी कि जब सब तरीके से भगवान ने हमें संपूर्ण पहले से बना के भेजा है, तो हम क्यों नहीं पहचान पा रहे अपनी ताकत को, अपनी अपनी उस प्रतिभा को जो हमारे अंदर पहले से ही शायद बॉर्न होके ही आती है। कि लड़कियों को पहले से ही बताया जाता है, जैसे कि अभी ओकेजन आया होली का, होली हमारे लिए नहीं होती है, होती है कि नहीं बताइए, नहीं होती है। क्यों, हमें क्या सिखाया जाता है? होली एक डेंजर फेस्टिवल है हमारे लिए, हमें कहा जाता है घर में रहिए, सेफ नहीं है, क्यों, पी करके कोई भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो हमेशा हमें होली के लिए यही कहा जाता है, तो हम क्यों सोचते हैं अपने बारे में? हर फेस्टिवल हमारे लिए ही है, हम रौनक हैं घर की, हम खुशी हैं, हम खुशबू हैं, हम शक्ति हैं, क्या नहीं है, हम सब कुछ हैं। जैसे बहनें और दिखाई देंगी तो हमारे भाइयों को भी मॉरल सपोर्ट वाली और घर वाली फीलिंग आएगी, वो प्यार, वो जो मिस करते हैं कि घर में मम्मी है, बहन है, पर यहाँ पर कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जब दिया ये फैमिली है तो हमें फैमिली वाली फीलिंग से यहाँ रहना चाहिए। और आज हम यहाँ होली मनाने वाले हैं, खुशी हो रही है क्योंकि आज जो है बहुत सारे तरीके से 3-3 ओकेजन्स हैं मेन, यही केक तो हम अभी देखे बाद में मिल रहे हैं सब लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में होली का ओकेजन आज है, फिर वुमेंस डे है, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आज हैं, तो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, मैं अभिनंदन करती हूँ। और इतनी हड़बड़ा के वहाँ से यहाँ आने का के पीछे यही मकसद था कि सुनैना दीदी ने इतनी अच्छी बातें बोली कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं कुछ उनके लिए बोलूँ, कि आपको देख के मतलब अंदर से मेरे अंदर भी आए कि मुझे भी कुछ जाके बोलना चाहिए। और मैं इनके लिए एक बार सबको कहूँगी कि कर्तव्य ध्वनि से इनका हम लोगों की तरफ से ये इतना अच्छा रिप्रेजेंट करती है, और ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आके बोली है। मैं उतना टाइम नहीं दे पाती और भी बहने नहीं कर पाती है, लेकिन वो हमेशा हर जगह पे रहती है और उनको देख के लगता है कि चलो हमारे तरफ से कोई तो है भाई लोग के साथ जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हम निश्चिंत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब हम आएंगे इनके लाइन के पीछे हम खड़े हो जाएंगे कि चलो हमारी तरफ से कोई था। तो इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, विमेंस डे भी है और संडे प्रोग्राम भी, और युवा अभ्युदय के बाद हम लोग शायद पहली बार मिले हैं, तो एक दूसरे को देख के खुशी भी हो रही है कि हमने इतना सफल कार्यक्रम मतलब बनाया मिलके। एक चीज है कि हम कहते हैं 50% जो हमारी आबादी है वो महिलाओं की है इस देश में, तो गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, जो पुराने भाई होंगे नए को गुरुदेव और माता जी से शायद उतना इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो कहते थे बिना नारी जागरण के हम युग निर्माण नहीं कर सकते। वो उनका एक ये बिल्कुल क्लियर बात थी कि आप जब तक नारी जागरण नहीं करोगे तब तक युग निर्माण की कल्पना करना बिल्कुल हंसने वाली बात होगी।
क्योंकि 50% है। और अगर हम अपने घर को ही देख ले कि आप अपनी मम्मी को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को अगर अशिक्षित और पिछड़े सोच से अगर आप रख रहे हो और आप चाहे जितना भी कुछ कर लो दुनिया में आगे आके, तो आप वो नहीं कह सकते कि युग निर्माण हो सकता है। तो हमारी जिम्मेवारी है, जो हम जुड़े हुए हैं, जो थोड़ा बहुत भी गायत्री परिवार के विचारों को जानते हैं, तो हमें महिलाओं को सशक्त बनाना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से बनाना पड़ेगा। अगर सोच से भी, विचारों से, आज हम क्या सोचते हैं, नारी जागरण का हमने एक सिंबल ये समझ लिया है कि जो मतलब पुरुषों की तरह जो कपड़े पहने, उनकी तरह सोच जो रखे, वो नारी जागरण की सबसे बड़ी सिंबल है। ऐसा कुछ नहीं है। नारी जागरण का मतलब ये होता है कि भाव संवेदनाओं को जगाना। क्यों हर एक ऐसे जगह पे ही नारी को क्यों रखा जाता है जहां पे एक कोमलता की जरूरत होती है, जहां पे आप देखते हो, अगर आपका रिजल्ट ही देखो, अगर कहीं पे कोई रिजल्ट खराब होता है तो आप सबसे पहले किससे बात करते हो? एक नारी ही होती है जिससे आप बात करते हो, चाहे वो जिस भी रूप में हो, चाहे माँ हो, बहन हो, या जो भी, और आपकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप अपने मतलब पुरुष दोस्त से पहले आप किसी महिला दोस्त को फोन करते हो और उससे दुख सुख बांट लेते हो। तो आप क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो आपको बिल्कुल हिम्मत दे सकती है, मनोबल दे सकती है वो चीज से। आपकी माँ एक बार अगर आपसे प्यार से आधा घंटा जिस दिन बात कर लेती है, तो आप अंदर से एक बिल्कुल ऊर्जावान महसूस करते हो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। आप पापा को, बहुत कम रेयर ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो पापा को जल्दी फोन करता हो। तो नारी के अंदर वो शक्ति है जिसे अगर एक बार हम जगा ले, आज नारी के अंदर क्या, हम थोड़े ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आज अपनी शक्ति को बिल्कुल भूल गए, ऊपर से एक राख की परत छप गई है। और ये क्यों? वेस्टर्न कल्चर को लेके, वेस्टर्न कल्चर में हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ना कि हम अपनी जो संस्कृति और अपनी गरिमा थी वो भूल जा रहे हैं। हमें क्या होता है कि अगर हम तेज बोलेंगे लोगों के सामने खड़ा होकर, तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल जागे हुए सशक्त नारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आराम से भी चीजों को संभालते हुए प्यार से आप कर सकते हो। कल को अगर आप कहते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन वो 100 पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया था। और एक राजा जनक की एक पुत्री थी सीता, जिसने दोनों कुलों को, आज राजा जनक को हम जानते हैं तो अधिकतर लोग जानते हैं माँ सीता की वजह से। तो वो शक्ति होती है नारी के अंदर। तो हमें आज वेस्टर्न कल्चर को छोड़ते हुए थोड़ी सी अपनी संस्कृति की ओर बढ़ने की जरूरत है। जितनी भी हम लोग हैं यहाँ पे नारियां बैठी हुई, उनके लिए ये बात है, और पुरुषों के लिए ये बात है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब है कि इज्जत देना, सम्मान देना, ये तो हम कर सकते हैं उनकी भावनाओं को। हमारे दिल में क्या होता है कि हम थोड़ी कोमल भी होती है, कोमल होते हैं, जैसे माँ है, बहन है, इनको थोड़ा प्यार से, पत्नी है, इनको थोड़ा प्यार से, सहयोग के साथ हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज अगर आप नारी जागरण के ऊपर ये बात सुन रहे हैं और आज महिला दिवस है, तो कम से कम एक संकल्प जरूर लीजिए कि हम अपने स्तर से नारी जागरण के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे वो आपके लाइन पे आके खड़े होके कुछ बात बोल सके, उनको कभी कोई हिचक ना हो आपके सामने आने पे। क्यों एक 10 लड़के खड़े होते हैं तो एक लड़की को वहां पे आने में क्यों डर लगता है? इस बात पे सोचिए कभी कि हम क्यों नहीं वो माहौल बना रहे हैं कि हमसे बेझिझक कोई आके दो बात बोल सकती है अपनी बात। हम भी जाते थे कंपेनिंग में, कुछ ग्रुप अच्छे लगते थे, उनके सामने हमें बोलने में कोई डर नहीं होता था, लेकिन कभी कभी ग्रुप देख के हम डर जाते थे, एक कदम पीछे हटते थे, जाऊं या ना जाऊं। तो वो माहौल को हमें चेंज करना है थोड़ा सा लड़कियों के लिए, कि हमें आज सच में ये बात है कि अभी 2 दिन पहले से ही होली का जो माहौल बन रहा है पूरी तरह, तो लड़कियां आप देखेंगे रोड पे बहुत कम हो जाएंगी, धीरे धीरे बहुत कम निकलेंगी। अभी एक दिन पहले तो बिल्कुल बहुत, जिसको बहुत अर्जेंट काम है वही निकल पाएगी। तो हम जैसे दिया वाले हैं या काम कर रहे हैं, तो हमें उससे भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। आज क्यों नहीं दिया में इतनी लड़कियां आ पाती है? एक दो लोगों से मैंने बात भी की थी, वो कहीं ना कहीं ये बात है कि उनको मतलब कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये भी पूछना पड़ेगा, कहाँ संडे को होता है, उनके घर से ये फोन आती है। तो हमें वो अपनी जो विश्वसनीयता है उसे बढ़ाना पड़ेगा लड़कियों के लिए भी, कि वो बिल्कुल फ्रेंड होके यहाँ पे आए बैठे, बिल्कुल उनको लगे कि एकदम इजी है सब कुछ और हमें आने में कोई हिचक नहीं है। तो हम चाहेंगे कि भाइयों से भी कि वो इस तरह में थोड़ा हमें सपोर्ट करे और थोड़ा हम भी आके ये बात कर पाए। और सही बात है, सुनैना दीदी ने एक बात कही थी तो उस पर मैं भी थोड़ा जोर दूंगी कि पीडीसी पिछले बार हो रहा था गर्मी के टाइम पे, जो जून में होता है पीडीसी, तो उसमें मुझे एक कॉल आया था क्योंकि मैंने फोन किया था बहुत लोगों को, तो उसमें शायद उसके बाद कोई भाई आए होंगे तो मुझे तिलक करते हुए देखे थे गेट के पास।
तो बाद में उनका एक फोन आया कि अच्छा है दिया में ये लड़कियों को काम मिलता है टीका लगाने का। तो उसके बाद मैंने उन्हें ऐसे तो मैं अपने तरह से बहुत मतलब उनको समझाई, लेकिन मैं सोची थी कि रखूंगी कब ये बात, फिर सोची उस माहौल पे रखने में भाई लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम एक तो आते इतना कम है, सब लोग सबकी बात कर आते इतना कम है और कहे कि कोई बड़ी जिम्मेवारी। तो थोड़ी जिम्मेवारी हम आगे आके लेंगे, अगर मिलेगी तो बिल्कुल लेंगे और उसे निभाएंगे भी, क्योंकि आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है जितनी हमारे अंदर क्षमता है। अगर हम एक बार ठान लेंगे तो दिखलाएंगे, ये हम लोगों के अंदर मतलब है। मैं सबके तरफ से ये बात के लिए आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आज होली भी सेलिब्रेट करना था और कुछ ना कुछ हम लोग मतलब बहनों के तरफ से कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लेंगे कि लड़कियां और जुड़े इसके लिए। हो सकता है एक मैं सोच रही हूँ कि पूरे सप्ताह का एक कैंपेनिंग की तरह चलाए जिससे कि हम लोग लड़कियों के बीच में पहुंचे और वहां पे जाके उनको एक बार जैसे जैसे कैंपेनिंग में युवा अभ्युदय के लिए हमने मनाया था वैसे एक बार उनको जरूर प्रयास करेंगे कि एक बार आप संडे प्रोग्राम में जरूर आए और लड़कियों को चाहेंगे कि इधर की पूरी बेंच लड़कियों के लिए फुल हो जाए। दो महीने हुए मुझे दिया परिवार से गायत्री परिवार से जुड़े हुए, अब बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था युवा अभ्युदय, ऐसे में किसी भी संगठन से नहीं जुड़ी हुई। तो ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को मैं हृदय से प्रणाम और सभी जितने भाई लोग हैं बहनें सबको समझे मुझे इतना प्यार दिया उस दौरान और जो ऊर्जा मुझे मिली उस दौरान जो फॉलोअप के दौरान में वो मेरे लिए बहुत अद्भुत थी। जब मैं हॉस्टल में जाती थी मैं लिस्ट लेके तो मुझे बोलते थे तुम क्या काम कर रही हो यहाँ पे, ये है वो है। मैंने कहा मैंने कभी खुशी के लिए काम नहीं किया, मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल है मैं हर काम को खुशी से करती हूँ, जब खुशी से करूंगी तो मुझे खुशी ऑटोमेटिकली मिलेगी। लोग सोचते हैं कि हम पहले बन जाएंगे उस वक्त हमें खुशी होएगी, मैं कहती हूँ कि पहले हमें जब खुश रह के सारे काम करने हैं हमें। जब मैं फॉलोअप करती थी तो मेरे पास बहुत तरह तरह की कॉल्स आती थी और मेरे पास अभी भी कॉल आ रही है, पिछले 4-5 दिन आगे बंद हुई है और पूछते थे जी वो 1 मार्च का प्रोग्राम मिस हो गया हमारा, तब दोबारा कब होएगा? मैंने कहा मार्च में होएगा। बताया कि अनु कुमारी जी से मिले, सोनम वांगचुक जी से मिले, उन्होंने कहा कि हमारे फ्रेंड्स लोग आए उन्होंने बताया कि हम अनु कुमारी जी से मिले हैं तो जो है हमें दोबारा मिलना है। मैं कब वो तो टाइम चला गया आपसे अगला मार्च में इंतजार करना होगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत कॉल्स हैं, मतलब लोग एक लड़की थी विशाखा चौधरी, इसने कहा कि अपने फ्रेंड के साथ में आई थी, गौरव भैया को पता है, किसी ने स्पेशली फोन किया कि हम दोनों मोटिवेट होके गए हैं जब हम डिप्रेस्ड थे। मैंने कहा प्रोग्राम किया इसलिए गया था कि जितने भी यूथ हैं सब मोटिवेट होके जाएं और जिसका जो जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लाइफ में जो जो वो अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स को आप बहुत अच्छे से फुलफिल करें और एक बेसिकली बहुत अच्छे एक ह्यूमन बीइंग बने आप। और ये मैं कहना चाहूँगी आप सभी भाई लोगों को और बहनों को कि आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, यूथ को बदल रहे, इससे कोई आसान काम नहीं हो सकता। आज मुझे लग रहा है मेरे को IAS बनना ज़्यादा आसान है पर यूथ को बदलना ये बहुत ही क्रांतिकारी है, इससे अद्भुत काम नहीं हो सकता। मेरा बहुत ही और आप लोगों ने सम्मान दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये था कि जो मेरे पास फॉलोअप्स थे जो मेरे पास कॉल आ रही है उससे मुझे भी लगा कि लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाए उनके दोस्तों ने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उनको एहसास हो रहा है कि हाँ भी हमने अटेंड नहीं किया, मुझे सजेशन दिए जा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कराएं सब प्रोग्राम। तो मैंने कहा बिल्कुल कोशिश ज़रूर रहेगी और मैं आज जो है बहुत अच्छा मेरे को बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ से जुड़ी दिया दिल्ली वालों से। और आज जो है सभी को पहले हैप्पी वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रोग्राम तो हमेशा जो है भैया बहुत अच्छा करती है, संडे प्रोग्राम बहुत अद्भुत रहता है, इसलिए मैं आती हूँ रोज की, मुझे अटेंड करना है करना है, जो सुबह को जो मेडिटेशन होता है कि वो मुझे अटेंड करना है। यहाँ पे यही कहना चाहूँगी मैं लास्ट में कि तुम खुद पर रखो यकीन, तुम खुद पर रखो यकीन, एक बार हिम्मत हारने की चीज नहीं हिम्मत जीतने की चीज़ है, जीत सकते हैं। और इसका मैंने अपने ऊपर देखा है, मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और जब मुझे काम किया गया था 6 हफ्ते में
मुझे मेरे स्टेमिना का, मेरे पोटेंशियल का मुझे पता चल गया था। ये सबको पता होता है कि सबके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं, सब बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एहसास नहीं होता है। उसका एहसास मुझे उस दौरान हुआ था। तो वो मुझे एक बार भी मुझे लगता कि मेरा कहीं टाइम आधा परसेंट ही मुझे नहीं लगा कि मेरा कहीं टाइम जाया हो, पर मुझे उसकी जो हजार गुना जो खुशी मिली वो मेरे बहुत अद्भुत है। मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरा कहीं टाइम गया। उसकी खुशी मैं बिल्कुल ही बता सकती हूँ। मैं हॉस्टल वाले बोलते कि दीदी को क्या खुशी मिल गई है वहां से जाके। मैंने कहा तुम लोग भी ज्वाइन करो। और वो सब बोलते हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं कहा तुम ज्योग्राफी पढ़ो, डीप ओशंस पढ़ो, मैं यहाँ के ओशंस में तैरती हूँ और अपना बहुत गौरव भागती हूँ। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ने मेरी खुशी का ध्यान रखा। मैं अपने परमात्मा से, शिव को मैं बहुत मानती हूँ, वो आप सबकी खुशी का ध्यान रखेंगे। करती हूँ परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही मैं मनीष भैया को धन्यवाद देती हूँ कि ये हमें दिया दैनिक का प्लेटफॉर्म दिए हैं इतना अच्छा चीज़ करने के लिए वुमेन्स को, और हम लोगों को यहाँ आके मंच में बोलने का जो मौका दिए हैं वो भी भैया के, मतलब गुरुदेव के गुरुदेव के माध्यम से, मनीष भैया के माध्यम से हमको ये मिला है। मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ कि पहली बार मैं बोल रही हूँ यहाँ आके। मुझे भी अच्छा लगा जब सुनैना दीदी यहाँ आके बोली, मुझे भी वहाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। प्रीति दीदी बोली, स्वाति दीदी बोली, मुझे लगा कि मुझे भी जाके बोलना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ये मनाया क्यों जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सालों से थोड़ा हमारे साथ में असमानता रही है, हुई है, हमारे साथ में भेदभाव थोड़ा हुआ है। तो इसी चीज़ को लोग, नारियों को जागरूक करने के लिए चीज़ें मनाई जा रही हैं कि शिक्षा के स्तर में भी हमको मिले, सामाजिक स्तर में भी हमको समानता मिले, राजनीतिक स्तर में भी मिले। लेकिन कैसे मिलेगी, मिलेगी कैसे? हमारी तुलना पुरुषों से नहीं है। हम बोलते हैं कि हमको पुरुषों से आगे बढ़ना है, नहीं, हमारी तुलना पुरुषों से है ही नहीं। हमारी तुलना हमारी खुद से है, क्योंकि हमको ना खुद की नायिका बननी है। हमको खुद को ये बात आ रहा है कि हम लोग कहाँ पस में कमजोर है, क्यों हम ये चीजें नहीं कर पाते हैं, क्यों हम, जैसे कि मेरे को भी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि इतना पढ़ के तुम क्या करोगे, आखिर तुमको जाना तो ससुराल ही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि घर में बेटों को ही ज्यादा पढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो आगे जाके उनका वंश चलाएंगे, उनको प्रॉफिट देंगे आगे जाके, मतलब उनको संभालेंगे कुल मिलाकर। लेकिन यह है कि तुम तो ससुराल चले जाओगे, तुमको बच्चा संभालना है, चूल्हा चौका संभालना है, क्यों हम सिर्फ वही संभाल सकते हैं? नहीं। आज नारियां कहाँ क्या नहीं मुकाम हासिल कर चुकी हैं, चाहे वो कोई भी नारी हो, चाहे वो वायुसेना में हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे दंगल जैसी हो, चाहे मुक्केबाजी में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे यूपीएससी के टॉप रैंक में आना हो, चाहे आईपीएस में जैसे किरण बेदी जैसी महिला हो, चाहे राजनीति में सुषमा स्वराज जैसी महिला हो, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वो मुकाम हासिल कर चुकी हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये हमको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, मतलब हम लोग यहाँ आए हैं, मतलब मुझे जो दिल्ली आए 4-5 साल हो गया, हम लोग आते कमरे में तैयारी करते हैं और बुकिस्ट हो जाते, सिर्फ बुक पढ़ते हैं कि हाँ ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीते हम लोग। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ, लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और जितना यहाँ हम मुझे सेफ फील हुआ है ना दिया डेली में आकर भाइयों के साथ मिलकर, उतना तो मुझे आज तक कहीं हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ जब मैं आती हूँ दिया डेली, तो ऐसा लगता है सच में एक परिवार है। मुझे ऐसा लगता है कि यही, मतलब एक सुरक्षा की भावना हम जो घर में महसूस करते हैं पिता के माध्यम से, अपने भाई के माध्यम से, वो मैं यहाँ फील करती हूँ। तो ये आप भाइयों का ही है जो आज यहाँ इतना सारा चीज हम लोग बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। वैसे गुरुदेव का एक सद्वाक्य, एक नारा है, आप सब साथ में ही बोलेंगे सबको, कि नारी का सम्मान जहाँ है। अच्छा संस्कृति का ना, सॉरी मैं थोड़ा गलत, हाँ, तो नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का प्रधान वहाँ है। तो नारी का पूजा, मतलब नारी की जहाँ पूजा होती है ना, वही देवता विराजते हैं। आप लोग सुने, और ये हकीकत है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वो घर हमेशा तरक्की पे होता है। और जिस घर में नारियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझी जाती है, काम करने वाली वस्तु समझी जाती है, कि नहीं तुमको
किचन संभालना है, बच्चे को संभालना है, इससे ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने ऐसा देखा है कि कई पुरुषों की सोच होती है कि तुम इससे ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। तुम कहाँ, जैसे भैया क्या बोल रहे हैं कि तुमको ये संभालना है, तुमको इसको उठाना है, ये भारी सामान उठानी है, कुछ और उठाना है, आईटी का जो भी काम होता है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं, वैसे महिलाएं कर रही हैं लेकिन अभी मतलब अधिकतर नहीं हो रही ना, मतलब मुश्किल से 10% ही महिलाओं की भागीदारी होगी इसमें। मुझे लगता है 90% महिलाएं आज भी इस सब चीजों में पीछे हैं। आज भी उनको आगे बढ़ने की जरूरत है, आज भी वो चीजें प्लेटफॉर्म उनको मिलने की जरूरत है, लेकिन घर में ही उनको रोक दिया जाता है। पहले घर में ही उनको बोल दिया जाता है कि तुम नहीं कर सकती हो, बोले नहीं कि पहले ही तो उन बीच बोल दिया गया कि तुम नहीं कर सकती हो, तो तुम जब नहीं कर सकती हो तो कैसे कर लोगी। तो जब दिमाग में धीरे धीरे भर जाता है, पहले बताया जाता है तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे बोलना चाहिए, तुमको ऐसे कहना चाहिए, तुम लड़की हो तुमको ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ऐसा क्यों नहीं, मतलब जब हमारा जो जन्म हम ले रहे हैं, जब हमारा जन्म का प्रोसेस एक है, तो हमारा जो पालन पोषण है वो अलग अलग तरीके से क्यों होता है। हमको बचपन से क्यों बताया जाता है कि तुम ऐसे ही हो, तुमको ऐसे ही करना चाहिए, तुम महिला हो। और शुरू से अगर उनको ये सपोर्ट किया जाए कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर में वो कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर में भी है कि तुम स्पोर्ट्स में नंबर वन आ सकती हो, तो हम भी आ रहे हैं और अधिक आएंगे। राजनीति में आज भी हमारा बहुत ही कम भागीदारी है, राजनीति में भी हमको आगे आने की जरूरत है, व्यापार जगत में भी हमको आगे आने की जरूरत है। हम भी, जरूरी थोड़ी है कि हम यूपीएससी करके आगे बढ़े, व्यापार फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। साथ में हम दिया डाले में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे सुनैना दीदी ने कहा कि सिर्फ तिलक के लिए नहीं हम लोग, जैसे असम्मी दीदी ने भी एक सिक्योरिटी का पार्ट निभाया था, है ना, तो जैसे हम लोग को भी उसमें भागीदारी लेने की जरूरत है। और मैं तो यही कहूंगी कि शायद लास्ट के बाद कहूंगी कि शायद प्यार मोहब्बत जैसी चीजें महिलाएं घर में भूल जाएं कि कितना पुरुष प्यार कर रहा है, कितने पिता प्यार कर रहे हैं, लेकिन जिस घर में ना महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो इंसान महिला की इज्जत करता है ना, उस इंसान को कभी भी महिलाएं भूल नहीं पाती। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी ना, घर में स्त्रियों को सपोर्ट करो, उसके जो भी वो फैसला लेती है ना, तो उसको ये डायरेक्ट ना नहीं करो। अगर वो चाहती कि मैं ये करना है मुझे, तो उसको डायरेक्ट ना नहीं करो, एक बार पूछो कि मतलब ठीक है, डिस्कस करो चीजों को, और उसको डिसीजन लेने के लिए ना उसको स्वतंत्र रखो। मतलब मैं भाई लोगों को बोल रही, वैसे तो आप स्वतंत्र हो रही है लेकिन ज्यादा परसेंटेज में नहीं है। आज भी ऐसा है कि जहां लड़कियों के जन्म लेने के बाद में लड़कियों का मतलब खुशी नहीं होती लोगों के चेहरे में, आज भी ऐसा एरिया है, आज भी ऐसा घर है जहां महिलाओं को ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि सुरक्षा नहीं है। और ये सुरक्षा मुझे लगता है कि हम भी लोग ला सकते हैं। आज मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ यहाँ आकर, क्योंकि आप सब भाई लोग ऐसे हैं इसलिए महसूस करते हैं। तो यही चीज अगर पूरे भारत में हो जाए तो सोचो क्या होगा। तो ये चीजें हम लोगों के माध्यम से, शायद आज हम 2 होंगे 4 होंगे, आज हम 100 भाई लोग हैं, आज युवा अभ्युदय का जो प्रोग्राम भैया मतलब जो गुरुदेव चला रहे हैं भैया के माध्यम से सारा प्रोग्राम, और यही सब विचार क्रांति अगर लोगों के अंदर में आ जाए तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो भारत मतलब यूएसए तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो आज मजबूत बोलते हैं ना, भारत से ज्यादा मजबूत इस दुनिया में कुछ रह ही नहीं जाएगा, और हो भी रहा है। बस यही है कि उनके फैसलों का सम्मान करना है, नारियों का सम्मान करना है, नारियों को हर जगह आगे बढ़ाना है, और ये सब हम लोगों के माध्यम से होगा, हम भी करेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। वैसे तो वुमेन्स डे पर दीदी लोग बहुत कुछ बोल चुकी है, तो अब मुझे लगता नहीं कि जरूरत है ये उसके ऊपर बोलने की। बस एक दो कुछ बातें जो यहाँ आकर मैंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस हुआ है, तो जस्ट आई वांट टू जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस, उसके सिवा कुछ नहीं। मतलब क्या था कि मैं मतलब दिल्ली से ही सब चीज हुआ है, ग्रेजुएशन स्कूल सब चीज। तो एक दिन मतलब मैं स्लम एरिया में रहती हूँ, तो आदर्श भैया हमारे यहाँ एक दिन आए और वहाँ ना वो बच्चों को बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पढ़ने आया करो बीएसएस में। तो घर में मैं खाना बना रही थी, तो मैंने सुना कि अरे क्या हो रहा है, जरा जाके सुना जाए
कि क्या हो रहा है, कौन आया कहाँ से, तो जो गई मैं वहाँ सुनने लगी, तो आदर्श भैया से मैंने बोला कि क्या मैं भी आ सकती हूँ वहाँ पढ़ाने, और मतलब कुछ सीखूंगी भी वहाँ जाके, टाइम तो घर पे ऐसे वेस्ट हो जाता है, पढ़ती तो हूँ लेकिन क्या है अब थोड़ी ना पूरा 2400 घंटा पढ़ेंगे हम, कोई नहीं पढ़ता 2400 घंटा। उसके बाद वहाँ जाना स्टार्ट किया, तो जाना स्टार्ट किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मतलब मन में ना बहुत उत्सुक मतलब उत्सुकता थी कि जाने चीजों को। तो आदर्श भैया लोग गायत्री मंत्र करते थे, तो पूछा कि क्या होता है ये, इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या फायदा है, मतलब हर चीज के ऊपर ना मेरा थोड़ा डाउट रहता है कि मतलब कि कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं कुछ गलत रास्ते में तो नहीं जा रही, ऐसे करके वो हमेशा से ही है, तो अब चीजें वो कम हो रही है। तो पूछा तो भैया ने, मनीष भैया ने, आदर्श भैया ने, दोनों ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि ऐसे ऐसा है, गुरुदेव की किताब दी, उस चीज को जाना और पढ़ा, बहुत अच्छा लगा काफी। तो घर में एक महीना स्टार्ट किया गायत्री मंत्र करना, तो एक दिन ना छूट गया मेरा, मतलब मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में कि मेरे पेरेंट्स ना कभी भी किसी भी चीज से मतलब मेरे को इधर नहीं खींचते कि ये मत करो, तो बाबा बन रही हो, भगवान की लाइन में जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन छूट गया, मेरी मम्मी बोलती है और पापा कि अरे तुम तो गायत्री मंत्र कर रही थी, आज क्यों नहीं किया तुमने, मतलब इन सब चीजों में मैं बहुत लकी हूँ। फिर उसके बाद कभी भी इस चीज पे भी नहीं रोका कि तुम कहाँ जा रही हो, एक ट्रस्ट बना हुआ है, कभी मतलब आज तक मैंने उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया और आगे भी नहीं करना है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे शांतिकुंज जाने से भी नहीं रोका। भैया लोगों के साथ में शांतिकुंज गई थी, बहुत ही मतलब मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना, क्योंकि मनीष भैया ने बोला था कि इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता वहां जाने का, पता नहीं आप कैसे चले गए इतनी जल्दी, तो इसी में मैंने वहां बहुत ज्यादा अपने आप को माना कि कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा मैंने, तभी उन्होंने बुलाया मुझे। तो वहां जाने के बाद मुझे सबसे बहुत अच्छा बहुत अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट वहां पे किया कि वहां पर वो जो दीदी लोग है ना, वो गायत्री यज्ञ स्थान पर जहाँ यज्ञ होता है वहाँ दीदी लोग वो यज्ञ कर रहे हैं, मतलब करवा रही है, बोल रही है, बहुत ही बहुत अच्छा किया, मतलब कि हर जगह ना हर मंदिर में हर टेम्पल में ही देखते हैं कि आदमी लोग मतलब पंडित जी ही करवा रहे हैं, क्यों भाई लेडीज भी तो करवा सकती है। वहाँ ये चीज बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बात ये लगा कि जब हम लोग खाना वहाँ जो खाना भंडार जो होता है वहाँ पे क्या था कि मैं तो रोटी बेल रही थी और साथ में भैया भी बेल रहे थे, मतलब कोई भेदभाव नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्यों जो हम कर सकते हैं वो भाई लोग क्यों नहीं कर सकते। और एक एक्सपीरियंस था अंशराम के ऊपर, ये था कि उस दिन बस सिर्फ 200 रुपए थे और स्लीपर लेना था कि नहीं अब स्लीपर लेना, उसके मैंने कहा भैया ने अंशराम के बारे में बताया ही था कि ऐसा ऐसा अंशराम होता है, तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, लालच या इस चीज को देखा जाए, स्लीपर तो चलो देखा जाएगा, फिर बाद में उस चीज को ना मतलब अपना इग्नोर करके कि नहीं लेना है स्लीपर, तो वो चीज अंशराम में दे दिया। उसके 2-3 दिन बाद मुझे ना मतलब और फिर मेरी मम्मी का हाफ बॉडी ना वर्क नहीं करता है, तो डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन बहुत ही फर्क नजर आ रहा है। वहां पे क्या था, मम्मी हर मंथ ना एडमिट रहती थी 7-8 दिन के लिए, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा छूट जाती थी कि अरे मतलब कि एक बार तो क्या होता है ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा था कॉलेज में और मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो एक पैर हॉस्पिटल में और फिर एक एग्जाम देने भागना पड़ता था, ऐसा था कि बहुत ही मेरा इस सब चीजों के उससे ना मेरी पढ़ाई भी थोड़ी वीक रह गई है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस उसको ग्रेजुएशन तो क्लियर हो ही गया है लेकिन क्या है कि और बढ़ा रही हूँ उस चीज को कि अच्छे से करूँ मैं जहाँ वो रह गई हूँ। तो भैया ने जब बताया कि हम जब गायत्री मंत्र करते हैं और दिल से करते हैं उस चीज को अपने जीवन में सच में ही लेकर आते हैं ना, तो हमारे घर में भी इफेक्ट करता है, तो वो चीज करते करते घर में भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई, जैसे मम्मी का बार बार हॉस्पिटल एडमिट जो होना था वो चीज बंद हो गया, और मतलब कि भैया की जॉब भी अच्छी मतलब सैलरी भी अब ठीक ठाक है और मतलब अब हमारा घर भी बन गया है यहाँ पर संगम